समस्तीपुर जिला पुलिस ने कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला पुलिस कार्यालय में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम रविवार को किया उद्घाटन। इस केंद्र में सुबह 7 दिन में 10 बजे तक एक साथ कांडों के आईओ, इंस्पेक्टर, डीएसपी व एसपी रहेंगे मौजूद। आप भी देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। इस दौरान शेड्यूल के अनुसार वैसे पीड़ित भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम में आ सकते हैं जिनका केस लंबित है और उन्हें लग रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि समस्तीपुर जिले के ऐसे 13 थानों को चयनित किया गया है जिसमें नगर थाना, मुफसिल, कल्याणपुर, चिकमहसी, पूजा, दल सिंह राय आदि, जहां लंबे समय से कांड लंबित चल रहे हैं वहां पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि एक दिन में 2 थानों के कांडों की समीक्षा की जाएगी। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन रूम में एक साथ 2 थानों के कांडों की समीक्षा होगी। समस्तीपुर से प्रियांशु कुमार की रिपोर्ट। समय कलेक्ट्रेट के सभागार में बनाया है, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में कार्य करेगा। प्रायः यहाँ विशेष मीटिंग होगी, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में कार्य करेगा और अनुसंधानकर्ताओं को जो समस्याएं होती हैं तो अनुसंधानकर्ताओं को सपोर्ट करने के लिए अनुसंधानकर्ता और सर्किल इंस्पेक्टर्स हमारे जो हैं वो केस में कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने होते हैं और अनुसंधानकर्ताओं को सही समय पर सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्स चीज़ों का रिजोल्यूशन हो, उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड हो सके। साथ ही जो ऐसे वादी भी हैं जो अनुसंधान को लेकर भी भटक रहे हैं और उनको भी वो भी भ्रमित रहते हैं, उनको भी समझ नहीं आता कि अपने केस को लेकर के कहाँ जाए नहीं जाए, तो उसको लेकर के 13 थानों को हम लोगों ने चिन्हित किया, जिन 13 थानों में बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, इन केसेस को चिन्हित किया गया है और जिला स्तरीय सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया है कि इन 13 थानों के सभी अनुसंधानकर्ता, जिले के सभी इंस्पेक्टर्स यहाँ उपस्थित रहेंगे, साथ ही SDPO उपस्थित रहेंगे और मैं उपस्थित रहूँगा। पूरी टीम मिलकर के इन अनुसंधानकर्ताओं को सपोर्ट करेगी, उनको अगले डायरेक्शन देगी क्या करना है, उनकी मॉनिटरिंग भी करेगी कि वो अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ ही अगर किसी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है तो उसी 3 घंटे के अंदर हम लोग उनके वो ट्रेनिंग भी दे पाएंगे और पब्लिक को भी अपने केसेस के निष्पादन को, केसेस की प्रगति जानने में या अनुसंधानकर्ता